नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विप्रेश माथुर। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस कहां, आप बीजेपी में टक्कर यहां। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव के लिए अपनी 10 गारंटी जारी करने वाली है और कल बीजेपी ने अपना वचन पत्र जारी किया था, आप जानते हैं, जिसमें बीजेपी ने कई अहम वादे किए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज का हम रुख कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार और आपके सामने होगा। एमसीडी इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी का जो 10 गारंटी वाला कार्ड है, अब इसमें देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या खास लेकर आ रहे हैं, कौन सी वो बड़ी 10 गारंटी होंगी जो एमसीडी इलेक्शन के लिए दिल्ली वासियों से अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। 7-8 साल से सत्ता में हैं वो और अब एमसीडी इलेक्शन को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया है। एमसीडी चुनावों में कल बीजेपी ने अपने जो वचन पत्र लेकर आई थी उसमें साफ पानी से लेकर झुग्गी वालों को घर देने तक का बड़ा वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के वचन पत्र में क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी कूड़ा, जिसको लेकर पॉलिटिक्स भी कर रही है, बीजेपी को घेर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक कोई बड़ी गारंटी इस पर हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है जी एमसीडी इलेक्शन में हमें मौका दीजिए, जो 3 बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए हैं उनको हम हटाने का काम करेंगे। साफ सफाई का वादा भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है प्लानिंग के साथ। गारंटी बांटने वाले अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां भी जाते हैं देश में गारंटी बांट देते हैं, लेकिन क्या जनता जानना चाहती है कि 2015 से 2022 के दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को घटाने के लिए केजरीवाल सरकार ने नगर निगम का कुछ सहयोग भी किया? सवाल आएगा नहीं, बस वो चुनाव में यात्रा कर सकते हैं। पिछले 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार के लिए कितना मुश्किल और कितना संघर्षपूर्ण रहा है ये हर दिल्ली वाला जानता है, लेकिन हर दिल्ली वाला ये भी जानता है कि जहां पर भी लड़ने की जरूरत हो, जहां पर संघर्ष की जरूरत हो, जहां पर कोर्ट जाने की जरूरत हो, जहां पर किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत हो, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों का काम कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 35 साल से भी ज्यादा हो गया शायद, और इतने में तो मर्डर की भी सेंटेंस पूरी हो जाती है, तो उनको पनिशमेंट दे दी गई है और उसके बाद बहुत लो लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स में सिख तो आने वाले नहीं है, ये इंसानियत। एक राक्षस रूपी इंसान है जगदीश टाइटर, जिसके हाथ सिखों के खून से रंगे हैं। ऐसे आदमी को अपने गले लगाना और बार बार गले लगाना, जिसको नानावती कमीशन ने अक्यूज ठहराए हुए हैं, जिसको जस्टिस नरूला ने अक्यूज ठहराया हो, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रिपोर्ट आने पर दोषी मानकर सरकार से हटाया हो, सिखों से माफ़ी मांगी हो ऐसे कातलों का साथ देने के लिए, आज कांग्रेस गांधी परिवार फिर उनको अपने साथ रख रहा है, फिर से सिखों को ये संदेश दे रहा है, हमारे प्रति इतनी नफरत, हमारे प्रति इतना वैर, हमारे प्रति इतनी घिन क्यों? तो एमसीडी इलेक्शन पर जो चुनावी दांव हैं वो शुरू हो चुके हैं। कल बीजेपी की तरफ से वचन पत्र आ चुका है जिसमें हर घर साफ पानी का वादा से लेकर झुग्गी वालों को घर तक का वादा बीजेपी ने अपने वचन पत्र में किया है। अब से थोड़ी देर के बाद एमसीडी इलेक्शन के लिए 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल भी लेकर आ रहे हैं। उससे पहले आप देख रहे हैं कि ऐसे बयानों की बौछार हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शाजिया इल्मी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन कुलदीप कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल भी जुड़ गई हैं, थोड़ी देर में राजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एमसीडी इलेक्शन का विश्लेषण करेंगे। दिव्या, मैं चर्चा की शुरुआत करूँ उससे पहले आपके पास आ रही हूँ अपडेट के लिए, कितनी देरी है 10 गारंटी देने वाली है अभी एमसीडी इलेक्शन के लिए दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी, कितनी देरी है, कब तक आ रही है ये 10 गारंटी? जी
बिल्कुल देखिए 11 बजे का समय है जब अरविंद केजरीवाल वो 10 गारंटी दिल्ली वालों को देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं लगभग मुझे लगता है कि 10-12 मिनट में अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएंगी। लेकिन सीधा सीधा बीजेपी का आरोप है कि चूंकि उन्होंने कल वचन पत्र अपना लॉन्च किया था जिसमें आम लोगों को जहां झुग्गी वहां मकान और साथ ही साथ नल से जल, दोनों ऐसे मुद्दे जो बड़ी संख्या में आम लोगों को टारगेट कर सकते हैं, दोनों ही ऐसे मुद्दों पर वचन पत्र लाई है और बीजेपी साफ कह रही है कि हम वचन पत्र लाते हैं और अरविंद केजरीवाल गारंटी लाते हैं। यानी वचन पत्र का मतलब है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और अभी तक हमने 17 साल जो नगर निगम में सरकार रही उसमें हमने करके दिखाया है, इसीलिए हम गारंटी नहीं लाए, हमने कोई घोषणा नहीं की, हम वचन पत्र ला रहे हैं कि हम पहले। मुझे रोकना पड़ेगा मेहमानों का, मैं रुक करूंगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।